दोस्तों सिर्फ एक बाइट किंग कोबरा का और कुछ ही मिनटों में इंसान का काम खत्म। तो फिर कैसे सद्गुरु ने आखिर सबके सामने दूध के साथ दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक किंग कोबरा का जहर सबके सामने पिया? आखिर सांप के जहर में होता क्या है? क्या आप भी किंग कोबरा का जहर पीकर जिंदा रह सकेंगे? क्या होगा अगर आपने सांप का जहर पिया? तो बने रहे वीडियो के एंड तक, देंगे सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का ये लाल वाला बटन अभी प्रेस कर दें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। सांप का जहर पिया तो क्या होगा? तो दोस्तों होगा क्या ये तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले दो जरूरी बातें जान लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो हम ज्यादातर सांप का जहर शब्द यूज करते हैं जो कि असल में सांप का विष होता है, और विष और जहर में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और इसीलिए इंग्लिश में वेनम और पॉइजन दो अलग अलग शब्दों का यूज करा जाता है। जहां एक तरफ पॉइजन को सिर्फ मारने के लिए बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर वेनम सांप जैसे सरीसृप प्राणियों के प्रतिरक्षा के लिए कुदरत द्वारा बनाया गया है। दोस्तों सांप का जहर कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का टॉक्सिक प्रोटीन और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। और दोस्तों जब सांप किसी को काटता है तो ये पदार्थ उसके ब्लड स्ट्रीम में जाकर के सेल और टिश्यू को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण पैरालिसिस, इंटरनल ब्लीडिंग और इंसान की मौत तक हो जाती है। और दोस्तों करीबन 80,000 से 1,40,000 लोग दुनिया भर में हर साल इन सांपों के जहर से मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सांप की प्रजाति और उनके वेनम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने जहरीले वो हो सकते हैं और उनसे बचा जा सकता है या नहीं। जैसे कि किंग कोबरा और मांबा जैसे जहरीले सांप न्यूरोटॉक्सिक वेनम रिलीज करते हैं जो कि इंसानों के काटने के बाद उनके पूरे नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक कर देते हैं, और फिर चक्कर आना, धुंधलापन दिखना, धीरे धीरे करके सांस रुकना, कोमा, पैरालिसिस और फाइनली इंसान की डेथ तक हो जाती है। दोस्तों किंग कोबरा इतना जहरीला होता है कि उसके एक बार के जहर से 20 लोगों की जान जा सकती है। दोस्तों दूसरी ओर रेटल स्नेक और कॉपरहेड जैसे जहरीले सांप टॉक्सिक वेनम रिलीज करते हैं जो कि इंसानों के ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद सबसे पहले ब्लड और हार्ट पर पहले अटैक करते हैं, जिसके कारण सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड एक जेल टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लड के लंप्स बनने के कारण हार्ट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। और दोस्तों बात करें वाइपर जैसे दूसरे सांसों की, तो उनके वेनम के अंदर माइकोटॉक्सिन नाम के जहर होते हैं, इंसानों के मसल सेल को डैमेज करते हैं, जिसे नेक्रोसिस भी कहा जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही भयानक दर्दनाक अनुभव होता है क्योंकि मसल सेल के मेम्ब्रेन को ये जहर पिघलाने लगते हैं, और इससे भी ज्यादा भयानक कंडीशन तब हो जाती है जब ये किडनी पर इम्पेक्ट करने लगते हैं, और ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ने की वजह से धीरे धीरे करके हार्ट का रिदम रुकने लगता है और फाइनली हार्ट पंप करना बंद कर देता है। और दोस्तों वहीं दूसरी ओर साइटोटॉक्सिन जैसे वे शरीर में इंजेक्ट होते हैं तो वे प्रीमेच्योर टिश्यू को ही डिसोल्व कर देते हैं और उन्हें पानी बना देते हैं। दोस्तों लेकिन ये सब तब होता है जब सांप किसी को काटता है और उनके वेनम जब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तब। तो अगर इन जहरीले सांपों का जहर आपने डायरेक्टली पी लिया तो हमारे स्टमक के अंदर या पाचन तंत्र के अंदर रहे हुए एसिड उसे आसानी से पचा देते हैं, तो हमारे बॉडी को 1% तक का भी नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है, बशर्ते दोस्तों हमारे शरीर में मुंह से लेकर के स्टमक तक किसी भी प्रकार का अल्सर या माइनर कट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेनम गलती से भी ब्लड स्ट्रीम में जरा सा भी मिक्स हो गया तो दोस्तों नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों इसीलिए सद्गुरु ने सबके सामने अपने रिस्क पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा का जहर सबके सामने पिया था, और ये काम कोई भी आम इंसान कर सकता है बशर्ते जैसे बताया गया कि मुंह से लेकर के इंटेस्टाइन तक कोई भी एक माइनर कट या अल्सर नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिस से भी इंप्रूव किया जा सकता है। स्टीव लुडविन एक म्यूजिशियन है जो कि पिछले 30 साल से कई सारे जहरीले सांपों का जहर अलग अलग तरीकों से अपने शरीर में इंजेक्ट करते आ रहे हैं, और अब उनका शरीर एंटी वेनम प्रोड्यूस करने लगा है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों ज्यादातर एंटी वेनम घोड़ों के खून से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंसानों के लिए वो एलर्जिक या फिर उनका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे में स्टीव लुडविन जैसे लोग अपने एंटी वेनम से उन्हें हेल्प करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना और